नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 9 ની અંદર બીજો પાઠ આયા રાષ્ટ્રકા સ્વરૂપ उनके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। उनका जन्म सन 1904 और निधन सन 1966। वासुदेव शरण अग्रवाल ने सन्म लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। तदंतर से सन 1940 तक मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। बाद में उन्होंने पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया। सन 1951 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। वे भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय संग्रहालय परिषद तथा ऑल इंडिया रेंटल कांग्रेस के सभापति रह चुके हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अन्वेषण तथा इतिहास और पुरातत्व के गहन विद्वान के रूप में वे देश भर में सम्मान पाते रहे। उनकी लिखी हुई और प्रमुख सम्मान संपादित उसके इस प्रकार है, उरुज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादंबरी, भारत की मौलिक एकता। राष्ट्र का स्वरूप एक चिंतनात्मक निबंध है। उसमें लेखक ने देश को राष्ट्र बनाने वाले तत्वों की चर्चा की है। भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, ये तीन तत्व है जो एक देश को राष्ट्र बनाते हैं। इन तीनों का राष्ट्रीय जीवन में महत्व प्रतिपादित करके लेखक राष्ट्र की जनता को यह अनुरोध करता है कि वह इनका मूल्य पहचाने तथा इसका गौरव करें। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। भूमि यानी कि धरती, इसके भौतिक रूप से सौंदर्य और समृद्धि है के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधारों की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रति वर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को
पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़े पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भाती के अनगढ़ नग विद्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, चिलकते यानी चमकते रहते। उन सिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पे लादे हैं, तब उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतकाल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैल हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां है, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। तो राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोचे हुए के समान हैं। जिज्ञासा यानी कि जो इच्छा जो है जो जागती है वो। विज्ञान और उद्योग दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता उत्साह और अथक परिश्रम के दाग द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना न रहे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र के दूसरे अंग है। पृथ्वी की ओर मनुष्य न हो तो राष्ट्र को कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मलिन से ही राष्ट्र का स्वयं संपादित होता है, जबकि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस पुत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। वायुमंडल यानी कि जो पवन जो होता है वो, मंडल यानी कि मंडली, जहाँ वह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय की जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है। वह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरंजीवन राष्ट्रित होता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का हृदय उदय होता है जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है। उसी पृथ्वी के वरदानों में
भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अध्यपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवासी करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए है। जो जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका तो संबंध ही संबंध है। उनमें कोई भेद भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी उन निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। जन का सततवाही जिन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के उनके घाटों का निर्माण करना होता है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युग युग से जिन सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना बंधन मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति ही विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अभ्युदय यानी कि उन्नति, विरहित के यानी कि अलग, चिरोट यानी कि किस चीज को झपट कर लेना है वो। राष्ट्र के समय के रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति के विरहित यानी कि अलग कर रहे हैं तो जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन से ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जंगल में जिस प्रकार के अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदभ्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मलिन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जलों के उनके प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों के चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के
क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान का जकड़ रखना नहीं चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। सतत वाही यानी कि निरंतर अविरत कबंध यानी कि वह शरीर का जिसका सिर नहीं होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपका जो पाठ है वो जो पूर्ण होता है, यहाँ पे जो सरबत है वो आपको नोटबुक में लिख लेना है।